रोहाड़ा में पशुशाला जलकर राख, बच गए लोगों के घर, जान माल का नुकसान नहीं। देहरादूला से नादौन रोड पर रोहाड़ा में पशुशाला में आग लगने की खबर है। जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार पवन शर्मा निवासी ग्राम पंचायत रोहाड़ा में पशुशाला में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने की खबर पवन शर्मा को सड़क पर आने जाने वाले लोगों ने दी। इसके बाद ग्रामीणों ने टुल्लू पंप पर बाल्टियां भर भर कर पानी से पशुशाला की आग बुझाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी 15 मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित पवन शर्मा ने बताया कि उन्हें राहगीरों से सूचना मिली कि पशुशाला में आग लग गई है। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपनी भैंस को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग तो बुझा लिया गया, लेकिन उनकी पशुशाला जलकर राख होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। रवि दत्त ने कहा वह सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से पशुशाला में आग को बुझाने की कोशिश की। रवि दत्त ने कहा कि यहाँ तूफान भी चल रहा था और पशुशाला के नजदीक लोगों के घर व पशुशालाएं भी थी। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग बुझा दी, जिससे आसपास के घर भी सुरक्षित हो गए। फायरमैन विजय कुमार ने कहा कि देहरा से रेंडाद्वाला नालौद रोड पर रोहाड़ा में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। जो ग्राम पंचायत रोहाड़ा बलौर के अंतर्गत जो रोहाड़ा गांव है, उस वहां पर पवन शर्मा जी की पशुशाला में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और कुछ मेरे साथ जितने भी सहयोगी थे, जितने गांववासी थे, उन्होंने इस आग को के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और कुछ इसमें के पश्चात 10-15-20 मिनट के बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई और पशुशाला में नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ऐसे कोई आर्थिक नुकसान की कोई ये नहीं है कि जैसे पशु वगैरह हैं वो सुरक्षित हैं। और इसकी वजह ये है कि शॉर्ट सर्किट से कहीं पर चिंगारी चली गई और वहाँ पर घास फूस था, उसको बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो आग सुलगती रही, जो कि यहाँ पर जो कई लोगों ने आते जाते देखा है लेकिन उनको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो थोड़ा बहुत अपने आस पड़ोस में घास वगैरह जलाते रहते हैं, उसकी वजह से कोई देखा देखी नहीं हुई। और तत्पश्चात ही गांव वालों ने जैसे शोर मचाना शुरू किया तो हम लोग भी यहाँ पर मार्केट में आए थे, तो उस वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ और गाँववासियों के सहयोग के साथ हम लोगों ने आग के ऊपर नियंत्रण पाया। ऐसे मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है क्योंकि तूफान की आशंका जताई जा रही है, तो तूफान पड़ने की वजह से जो हमारे आस पड़ोस की पशुशालाएं और घरें हैं वो भी थोड़ा सुरक्षित हो गए, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो वो अभी तक पहुंच चुकी है।